चलो अतीत से प्रोम क्वीन की आत्मा को बुलाएं। टीना, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए, उसे जानना होगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। अपने हाथ बोर्ड पर रखो। लेकिन हम डरे हुए हैं। कम ऑन प्रोम क्वीन की आत्मा, हमारे पास आओ। उम्मीद नहीं थी तुम अपने भद्दे चेहरों से पूरी पार्टी बर्बाद कर रहे हो। टीना, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ, बाहर बहुत खौफनाक है। टीना, टीना कहाँ है? लड़कियों, वो जा चुकी है। उन्होंने दुख मनाना शुरू कर दिया, वो मरी नहीं है। तुम ये कैसे जानती हो? हमने उसे आत्माओं को बुलाने के लिए रोका था, पर उसने नहीं सुना। वो हमेशा से किसी के नहीं सुनती थी, अब देखो क्या हुआ। तुम कैसे बोल सकती हो? वो हमारी दोस्त है, वो जिंदा है। क्वेक, क्वेक, क्या? क्वेक, क्वेक, टीना। केसी, क्या हुआ है? टीना, टीना है। केसी, वहाँ कोई नहीं है। मैंने अभी उसे वहाँ देखा, सच में। तुम बस स्ट्रेस में हो, चलते हैं, हमें इस पे बात करनी होगी। मैंने सच में टीना को देखा था, मुझे यकीन है वो अभी भी जिंदा है। मुझे उम्मीद नहीं, वो हमारे सारे राज जानती थी। हम टीना के साथ इसलिए दोस्त है क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रही थी। तुम चाहती हो टीना कुछ सीक्रेट्स की वजह से चली जाए? मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे जा जा के थक गई। कोई क्वीन थी। हाँ, क्या? क्या? क्रिस्टी वापस शहर आ गई है, वो भी टीना के लापता होने के दिन। शायद वो ही जिम्मेदार है। ये क्या है? अंधी बिल्ली सीक्रेट जानती है? जी, वो टीना है। टीना चली गई, क्या ये किसी की शरारत है? यहाँ से निकलते हैं जल्दी। तुम लोग जा रहे हो? उम्मीद भी मत करना, प्रोम क्वीन अभी भी जिंदा है और मुझे तुम्हारे सारे राज पता है। क्या? वहाँ कौन है? डर लग रहा है। हेलो, क्या कोई है? ये अजीब है, शायद मैं ज्यादा ही नर्वस हूँ। ये कैसे बेवकूफी भरी शरारते हैं? मुझे मुझे इसे तुरंत लड़कियों को दिखाना होगा। आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? मैं अच्छे से सो ही नहीं। मेरे कमरे में है, अब तुम देखना। रुको, मुझे अपने हाथ धोने हैं। चलो बाथरूम चलते हैं। चलो। समझ नहीं आता तुम क्यों घबरा रही हो केसी। हाँ, लड़कियों, सीक्रेट मरते नहीं। टी, ये क्या है? ये यह नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। क्या तुम इसे जानती हो? स्कारलेट सनसेट है। ये तो टीना की लिपस्टिक का शेड है। देखा तुम लोगों ने, वो जिंदा है, सिर्फ टीना ही लगाती है ये लिपस्टिक। ये सब एक मजाक है, कोई हमारे सारे राज जान गया इसलिए हमें डराना चाहता है। हाँ, मेरे सीक्रेट्स को कोई भी नहीं जान पाएगा, तुम भी नहीं। इधर रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड के पास, मैं इस सर्कस का हिस्सा नहीं बनूंगी। फिर जाओ, हमें उस इंसान को ढूंढना होगा। प्रैंक करने वाला,
सब टीना के जिंदा होने की ओर इशारा करता है। बकवास कर रही हो, मैं भी जा रही हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो, रुक जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। कम से कम मैं तुम्हारे साथ इस सिचुएशन को खुद से दूर कर सकती हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ कि तुम कितनी परेशान हो। हा? तुम पता नहीं किसी और के साथ घूम रही थी। नेट में लड़कियों के साथ थी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम मुझे लगातार धोखा दे रही हो और मैं ये जानता हूँ। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते क्यों रहते हो? मैं राज छुपाते हुए थक गई हूँ कि नेट रूड और गुस्सैल मिजाज का है। माफ करना, जानबूझ के नहीं किया। मैं जानता था धोखेबाज कहीं की। कौन था वो, बता। वो बस मुझसे टकरा गया, मैं तो उसे जानती तक नहीं। वो तो दिखाई दे रहा है। टीना का बहुत ही बुरा असर हो रहा है तुम पे, इसी ने तुम्हें ऐसा बनाया है। ये सच नहीं है, हर किसी को यही लगता है कि हम परफेक्ट कपल हैं, लेकिन वास्तव में टीना ही चाहती है कि तुम कैसे हो। अब वो जा चुकी है तो अब तुम्हारा कोई छोटा सीक्रेट कोई जान ही नहीं पाएगा। तुम मुझे बहुत ही परेशान करती हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम कभी मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा ऐसा है तो दफा हो जाओ, मुझे पता है तुम वापस जरूर आओगे। क्या, क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं, बस टीना की याद आ गई। तुम कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिली। सब कुछ ठीक ही है। अभी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ओह, मजेदार फोटो खींचोगे तुम? ठीक है, लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं। स्माइल, चलो अजीब चेहरा बनाते हैं। सॉरी, थोड़ा अलग फोटो खींचना चाहती थी मैं। जी, ध्यान रखना कोई ना देखे इसे, मेरा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा। ओके, चलो देखते हैं क्या मिला है। ये क्या है? नई गर्लफ्रेंड को चूमना, किया नेट को पता है? टी? हाँ? ये क्या है, दिखाओ जरा। ये क्या, किसी ने प्रैंक किया है हमारे साथ? मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी फोटो चली गई। उम्मीद है कि नेट इसे नहीं देखेगा। क्यों, उसे भला क्यों बुरा लगेगा कि तुमने एक लड़की को किस किया? वैसे भी मुझे तो काफी अच्छा ही लगा है। हा? क्या? चिंता मत करो, मजाक कर रही थी मैं। डोंट वरी, मजाक कर रही थी, पर बुरा हुआ कि फोटो काम नहीं कर रहा। चलो मैं चलती हूँ। कोई नेट को परेशान करना चाहता है और मेरा सीक्रेट बताना चाहता है। उम्मीद है तस्वीर उस तक नहीं पहुंचेगी। फू, मैं थक गई हूँ। मैं शांत रहूंगी और अपना फेवरेट काम करूंगी। मेरे शौक के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, नई कलेक्शन चश्मा। चोर, इसे सीक्रेट रखने का सोचा, कोई मौका नहीं। पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी। ये नहीं हो सकता, मैं थक गई हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? उसने चश्मा चुराते हुए देख लिया। तुम अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई। शुक्रिया, गुड बाय। क्या भूला कड़े यार। खैर, बाल बाल बचे, अब किसी को पता नहीं चलेगा कोई टीना नहीं है। ये क्या है? क्या तुम जानती हो लोग चोरों के साथ क्या करते हैं? टी, कोई मुझे देख रहा है क्या? अरे नहीं, पुलिस। ससुरी, तू चोरी करती है? अब मामला सुलझते तक तू चक्की में रहेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती हुई है। अरे गलती मैंने नहीं, चश्मा चुरा के तेने करी। नहीं नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे राज जानता है। मैं जल्दी ही पता लगा लूंगी। कितना भयानक है, मैं पहले कितनी ज्यादा मोटी हो गई थी। खाना बंद करो फैटी केसी। अगर तुमने वजन कम किया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमसे दोस्ती करूंगी। अब कोई नहीं जान सकता कि मैं पहले कैसे दिखती थी, खासकर टायलर, नहीं तो वो मुझे छोड़ देगा।
हाय, क्या हम टहलने चल सकते हैं? रुको, मैं चुनूंगी कि कौन सी टी शर्ट पहननी है। मैं थोड़ी देर नेट को सर्फ करूंगा। क्या तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारी पुरानी पिक्स हैं? तुमने मुझे कभी नहीं दिखाई। नहीं, हार्ड ड्राइव तो क्रैश हो गई। तुम टी शर्ट चुनने में मेरी मदद करो ना। शायद ये वाला, क्या सोचते हो? उसे पता होना चाहिए कि तुम एक मोटी गाय हो। टी क्या, इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता। टायलर चलो घर जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। कैसी, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ। माफ करो, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, हम डेट फिर से प्लान करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, पर मैं तुमसे तब मिल जाऊंगा जब तुम सही हो जाओगी। डार्लिंग, तुमने फिर से चोरी क्यों की? माँ सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं समझती हूँ तुम पापा के अटेंशन के लिए ऐसा करती हो, लेकिन उसने हम लोगों को छोड़ दिया है। समझने की कोशिश करो। मैं पुलिस वाले से बात करती हूँ, वो दोस्त है मेरा, शायद हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल सके। ये क्या है? ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूंगी। हाय, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस फैमिली प्रॉब्लम। और तुम यहाँ पर क्यों हो? टीना की वजह से? हाँ हाँ, क्योंकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे पूछताछ के लिए बुलाते रहते हैं। और तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, इतनी खूबसूरत लड़की को रोना नहीं चाहिए। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, शायद हम फिर मिलेंगे। फिलहाल तो तने जाने दे रहा हूँ, दोबारा मत करियो, ठीक है? चलो घर चलते हैं। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ? मैंने कहा चलो चले। अरे थारा दिन शुभ हो, इब जल्दी मिलेंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बधाई हो, तुम्हें नया पिता मिलने वाला है जी। क्या, मुझे समझ नहीं आया। चलो जल्दी चलते हैं। क्या तुमने देखा अखबारों में क्या कह रहे हैं? हाँ, टीना मर चुकी है। मिया के साथ मेरी फोटो कहाँ है? किसने किससे मेरी फोटो चुराई? हाँ, किससे बात कर रही हो? असल में मुझे लगता है पुलिस वाले गलत हैं। टीना जिंदा है, वो वही है जो हमें टेक्स्ट मैसेज कर रही है। हाँ, दूसरी तरफ से जरूर ये कोई मस्खरा है। हाँ, किसी ने हमारे राज जान ली है और ब्लैकमेल कर रहा है। क्रिस्टी, उसे चाहिए क्या है? वो कुछ जानती है। तुम लोग इतने चुप क्यों हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? उसे तुम्हारे डरे हुए चेहरों को देखना चाहिए टी। ये तुम हो क्रिस्टी, तुम मैसेज भेज रही हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो डियर? तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो और टीना भी तुम्हारी वजह से गायब हुई है। तुम क्या बात कर रही हो, शांत हो जाओ। मैं भला टीना का किडनैप क्यों करूंगी? तुम्हें पता है क्यों? तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि। चुप रहो, तुम सब कुछ उगल दोगी। अब वो क्या उगल देगी? कम ऑन, बोलो भी। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तुम वैसे भी कबूल करोगे। तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? चलो टहलने चले, अपना मुंह ठीक करो। मैं अकेली चली जाऊंगी तुम्हारे बिना, कोई ऐसा जो मुझे समझता है। किटी रुको। उम्मीद है उसे पता नहीं चलेगा कि मैं टीना के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। मैं डिस्ट्रैक्ट होना चाहती हूँ। हाय, क्या हम चले? हाँ बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए है, तो तुम उदास मत होना। शुक्रिया। क्या तुम मेरे एक्स के साथ डेट करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे राज उजागर करूं? नहीं। तो उससे दूर रहो। किट्टी शांत हो जाओ, तुमने डरा दिया उसे, तुम चाहते क्या हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम लोग अजीब हो। चिंता मत करो, चलो कुछ आइसक्रीम ले आते हैं। बेहतर होगा मुझे घर ले चलो, मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो। हाय माँ। माँ, यहाँ क्या चल रहा है? वे मेरी बेटिया आ गई, अब मैं थारे साथ रहूंगा। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी बेटी कैसे हुई? पुलिस वाला हमारे घर में क्या कर रहा है? ये अब तुम्हारे नए पापा है। तुम्हें जेल से बाहर करने के लिए मुझे इनसे शादी करने के लिए मानना पड़ा। ओह, तुम मजाक कर रही हो, तुम इसके मोजे धोगी?
हाँ, और ये सब तुम्हारी बदौलत है। रे सारा जीवन थारी मम्मी से मने प्यार है तो अब साथ रहेंगे। हाँ, बस वो आपसे प्यार नहीं करती। के बोली रे छोरी, इब से इस घर में जो मैं चाहूंगा वही होगा। हमारी बात घुसी के नहीं थारे कान में। अभी चमका आधे रगड़ के दो ताकि नए जैसे लगे मुझे। लगता है मैं जाऊंगी। मैंने ये क्या किया? माँ मेरी वजह से इस घिनौने पुलिस वाले के साथ रहती है। तुम्हारा नया पुलिस वाला तुम्हारे राज खोल सकता है। जी, मुझे बस यही चाहिए था, घर में भी पुलिस है। अब आखिर ये चीज क्या है? उससे तो मैं देख ही लूंगा। हाय, क्या हुआ? जरा मुझे बताओ ये क्या है? मैंने अभी भी बस एक दोस्त के साथ फोटो ली। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मजाक है। और या फिर तुम्हें सिर्फ लड़कियां पसंद है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? शांत, हमें बहस करते हुए कहीं को यहाँ सुन न ले। हाँ, वो दरअसल मेरे साथ मजाक कर रहा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया को पता चल जाएगी जो तुम नहीं बताना चाहती? या फिर इस बात को हम राज ही रहने दें? इसे सीक्रेट रखो प्लीज। हाँ बिल्कुल, हमारी प्यारी ईवा। सोचो कितना बुरा होगा कि क्लास के बच्चों को पता चल जाए कि तुम कितनी परफेक्ट हो। नेट बंद करो। हे, क्या हाल है? सब ठीक है ना यार? ये तुम हो? सब ठीक है। हाँ, उसे परेशान मत करो, उसकी गलती नहीं है। अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो शायद सारा मजा खराब हो जाएगा। मैं बस इन फोटोज को ही यहाँ से वहाँ फैलाऊंगा, सबको पता तो चले कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम। नेट रुको। के बात होने से टीना गायब हो गई है, पुलिस ने अपना काम करने दे। ईवा तू ही है के? चल मेरे साथ चौकी। क्या इससे मुझे क्या लेना देना? अरे मन ने थारे और थारे दोस्तों के बारे में सवाल पूछना है। और आप हमें प्रिंसिपल के ऑफिस क्यों लाए हो? ताकि सवाल जवाब में कोई बाधा ना आवे। देख, मन ने कुछ मिलिया है और उसी के बारे में मन ने थारे से कुछ पूछना है। आपको कैसे पता चला? क्या आपने हमारे दरवाजे को चेक किया? थारे से मैं अकेले में बात करूंगा। उसे तुमसे परेशानी क्या है? हाँ तो बात सुन, प्रॉम क्वीन रात को नाचने गाने के बाद गायब हो गई। मन ने यह बताओ, उस रात तू घर पर क्यों नहीं थी? उसे कैसे पता चला? आप ये साबित नहीं कर सकते। देख, मन ने सब पता है। एक प्यारी सी छोरी ने मुझे जानकारी दी है। रे हाँ, उसने मने एक जोरदार खबर बतायो कि उसी दिन एक अंधी छोरी क्रिस्टी उसी दिन आवी जिस दिन थारी छोरी गायब हो गई। तो क्या? तो मने ऐसा क्यों लागे है कि इसमें कुछ तो राज छुपियो है। क्यों आई हो यहाँ? तुम सारा दोष अपने ऊपर लो बेवकूफ, नहीं तो मैं तुम्हें ग्रेजुएशन तक सताऊंगी। देखो, आपका हमसे पूछताछ करने का कोई हक नहीं। गुड बाय। कोई नहीं, हम लोग घर में बात करेंगे। एक और बात, वो छोरी क्रिस्टी हमेशा से अंधी ना थी ना? चलो चले, चलते हैं। उसने हमारे मेन राज कैसे पता लगाए? वो कुछ नहीं जानता, बस झांसा दे रहा है। लड़कियों उधर देखो। अरे नहीं, किसने किया ये सब? ये टीना है, मुझे यकीन है वो पक्का जिंदा है। ईवा शांत हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे किसने किया है। मुझे लगता है क्रिस्टी है। जागो तुम लोग, जागो। सिर्फ टीना ही है जो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, सब कुछ। बकवास बंद करो, तुम गुस्सा दिला रही हो, चली जाओ यहाँ से। ठीक है, भूल गई। मैं अब तंग आ गई हूँ, लड़कियाँ पागल हो चुकी हैं। कहाँ देख रहे हो तुम? अरे नहीं, इसे मुझे दो। कैसे तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? ये तुम्हें कहाँ से मिले? इन्हें वापस दो। नहीं। क्या? टी? मुझे लगा था हमारे बीच कोई राज नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगा जब मुझे पता चलेगा कि तुम मोटी थी? टीना ने मेरा राज बताया, ये कैसे कर सकती है? हाँ, मैं नहीं चाहती तुम जानो, मैं तुम्हारी नजर में परफेक्ट होना चाहती थी। मुझे झूठ से नफरत है केसी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं अकेले रहना चाहता हूँ। टाइलर रुको। तुमने क्या सोचा?
मैं किसी को नहीं बताऊंगी। या तुम्हें ये लगा कि हमारी सीक्रेट प्लेस में सारे राज रहेंगे? क्या? नहीं, मैंने टीना का भूत देखा या मेरा भ्रम था? उसने सीक्रेट प्लेस बोला, यही इशारा हो सकता है। मुझे वहां जाना होगा। हाँ, हम इधर हमेशा बातें करते थे और अब ये सब बढ़ गया है। ये हमारा एल्बम है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? ये हमेशा किटी की दराज में रहता था। नई तस्वीर है ये, यहाँ ये पहले तो नहीं थी। मेरा मेन सीक्रेट टी, ये तो टीना है। ये टीना नहीं किया है। मुझे लड़कियों को तुरंत दिखाना होगा। लड़कियों, देखो मुझे क्या मिला, एक नई तस्वीर। मेरा मेन सीक्रेट टी, केवल टीना ही इसे छोड़ सकती है। या टीना, टीना चली गई। मुझे लगता है कि क्रिस्टी हमारा मजाक उड़ा रही है। तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी निगाहें महसूस कर सकती हूँ। अब काफी अच्छी लिपस्टिक है। शुक्रिया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ये लिपस्टिक टीना की तरह ही है। और मेरे घर पर शीशे पर? अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? कायर, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने तस्वीरें देखी। चिंता मत करो, तुम बस ज्यादा परेशान हो रही हो। ठीक है, बहुत हुआ। लिपस्टिक का क्या है? क्या अब तो मानती हो सब क्रिस्टी ने किया है? मुझे नहीं पता, टीना के पास भी ऐसी ही थी। खुशबुस खुशबुस खुशबुस, लगता है जैसे टीना अभी भी जिंदा है। चुप रहो, तुम झूठी हो। बस तुम हमें डरा रही हो क्योंकि तुम हमसे बदला लेना चाहती हो। मैं तुमसे बदला क्यों लूंगी? क्या कुछ ऐसा है जिसका मुझे बदला लेना चाहिए? किटी, उसे मत छुओ, चलो चलते हैं। अंधे होने का नाटक बंद करो। मैं जानती हूँ तुम घूमती हो और सब सूंघती हो। तुम कितनी बेशरम निकली, वो कुछ नहीं देख सकती। ईवा, लगता सिर्फ तुम ही पागल नहीं हो, तुम्हारी सभी दोस्त भी तुम्हारे साथ पागल हैं। मुझे इस धोखेबाज पर यकीन नहीं है। चलो इसे पकड़ते हैं। ओ टायलर, रुको, हमने बात नहीं की। छोड़ो मुझे, सब खत्म हो गया है। मैं किसी झूठे के साथ नहीं रहना चाहता। टायलर, नहीं, बस अगर सच में क्रिस्टी ऐसा कर रही है तो उसने हमारी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हमें उसे सब बताना होगा। रुको जरा, आओ चलो क्रिस्टी को सब बताएं। मैं ये और नहीं झेलूंगी। हाँ, मैं भी। टीना का राज छुपाते छुपाते थक चुकी हूँ। हाँ, क्रिस्टी जानबूझकर हमें परेशान कर रही है ताकि हम सच बोले। चलो, हिम्मत मत करना। मैंने तुमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। क्या हम सब देख रहे हैं? क्या ये टीना है? हाँ, लगता है कि जैसे कि वो भूत है। मैं मच्छुओं में डर लग रहा है। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। भागो, नहीं तो टीना का भूत हमसे बदला लेगा। हम अब सब बताने जा रहे हैं। हम अब ऐसे नहीं रह सकते। मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, क्योंकि रहस्य कभी मरते नहीं। हमें ये बताओ कि तुम शहर वापस क्यों आई? ताकि तुम मुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बता सको। चलो बताओ, तुम्हें बताने का हक है कि तुम अंधी कैसे हुई। प्रोम क्वीन बनना चाहती हो तो केमिस्ट्री क्लास में आओ, मैं बताऊंगी कैसे। ओह गॉड, कोई मुझे प्रोम क्वीन बनने में मदद करना चाहता है? मैंने कितने लंबे समय से सपना देखा है। कौन है वहाँ? हम उसके खर्च पर अच्छी तरह हंसने वाले हैं। चल
मैंने भी नहीं करना चाहिए। हे लूजर! तुमने क्या किया टीना? ये मैं नहीं थी, ये एक दुर्घटना थी। यहाँ क्या हो रहा है? वरना मैं तुम्हें तब तक धमकाऊंगी जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, समझी? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो यहाँ से, हम कभी नहीं आए यहाँ। तो ऐसा ही हुआ, हमें माफ कर दो, सब टीना ने ही किया। वो बस तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहती थी, तो तुम अब उससे और नहीं डराओगी? हेलो धोखेबाजो, वो जिंदा हो गई है, तुम्हें उसे बदला लेना चाहिए, जाओ जाओ। बेवकूफो, मैं हमेशा जिंदा थी, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्या? मैं देखना चाहती थी तुम मेरा राज खोलोगे कि नहीं, पर तुम नहीं खोलोगे। लेकिन तुम हमें परेशान कर रही हो, वो मैसेज, वो धमकी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चुप रहो, तुम्हारे घर में पुलिस वाला रहता है, क्या तुम्हारे दोस्त ये जानते हैं? तुम्हें बाद में बताती हूँ। मैंने आखिर तक तुम्हारे राज खोलने की कोशिश की, लेकिन तुमने जाकर क्रिस्टी को बताया कि वो अंधी क्यों हो गई। अरे बाप रे! भला किसने कहा कि मैं अंधी हूँ? मैं तो बस इस बात का पता लगाने के लिए सारा नाटक कर रही थी कि वो चूहा कौन था जिसने पिछले साल प्रॉम में मेरा मजाक उड़ाया था। ये एक एक्सीडेंट था, ये मेरी गलती नहीं है। अब मुझे सब पता चल गया है कि ये तुम ही थी टीना। वैसे भी ये ताज मेरा है और पुलिस पहले ही अपने रास्ते पर है। चलो चलती हूँ, विदाई। नहीं, वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे, पुलिस तो अभी भी सोचती है कि मैं लापता हूँ। तुम लोग बाहर में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। कहाँ जा रही हो? उसे जाने दो और फिर कभी हमारी लाइफ में दिखाई न दे। ये कितना अच्छा है कि आखिर में खत्म हो गया। उम्मीद है कि पुलिस टीना को ढूंढ लेगी और उसे सजा देगी, मैं उसे अब हमारे ग्रुप में नहीं चाहती। चलो एक दूसरे से डील करते हैं, कोई राज नहीं। और मुझसे भी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। हम तुम्हें देखकर हमेशा खुश होते हैं, हम पर नाराज ना होने के लिए शुक्रिया। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? हाँ, बेशक, तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, लेकिन कोई और राज नहीं चाहता मैं, ओके? वादा? अच्छा, तो क्या अब हम खेलेंगे? कैसे हो दोस्तों? तो हमने अपना वीडियो शूट किया और अब हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने गैस किया था कि सब इस तरह खत्म होगा या दूसरे ऑप्शंस थे? दरअसल वैसे सच बताऊं तो मैंने सोचा तो था कि अगर आप गलती स्वीकारते हैं तो आपको माफी मिलनी चाहिए, पर हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी गलती है, उसके बाद भी आप उसे छुपा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ जाता है और फिर हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, हमें ये राज रखना चाहिए? मुझे जो लगता है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो डर की वजह से अपनी बातें छुपाते हैं और सिर्फ क्लोज पर्सन को ये बातें बता पाते हैं। मैं भी क्लोज पर्सन से ही बातें शेयर करती हूँ ताकि वो उसे सीक्रेट रखे। अगर आपने किसी को कोई राज बता दिया है या किसी ने बता दिया है तो फिर मुझे लगता है उसे रखना ही बेहतर है और किसी को मत बताना। दोस्ती बहुत गहरी होगी। मैं पूरी तरह मियाँ से सहमत हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक करीबी इंसान को राज बताते हैं जैसा कि मियाँ ने किया, और फिर अगर वो चारों ओर फैलाते हैं तो ये बहुत बुरा है। दोस्तों, चलो अपनी कहानी पे और वीडियो पे वापस आते हैं। अपनी राय बताओ इस बारे में, उसके साथ क्या हुआ होगा और ये सब करने का मेन मोटिव क्या था? वो हमसे ये सारी बातें छुपा क्यों रही थी? मेरी राय में वो बुरी है। बहुत बुरी, ऐसा ही है। मैं वैसे कहना चाहूंगा इस पर कि
क्या, क्यों, बताओ। आज जो हमारी स्टोरी थी उस पर अगर मैं बोलूं तो जो भी हुआ उन सब की जिम्मेदार क्रिस्टी ही थी, क्योंकि क्यों? अरे वो कोई जादूगर की तरह क्या बोलते हैं, लेकिन क्यों? अरे क्यों का जवाब क्या दूं, मुझे लगा कि वो सच में अंधी है। हाँ मुझे पता तो था कि वो नाटक कर रही, लेकिन मैं मान बैठा था कि वो अंधी है, और वो बिहेव ऐसे कर रही थी कि जैसे अब कोई वो जादू वादू दिखाएगी और एकदम से कुछ कर बैठेगी, और डर के मारे मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा हो गया बोल के, मैं और कुछ बोलूं या रुक जाऊं? रुक जाओ, मेरा काम नहीं कर रहा है और ज्यादा, है ना? तो किस तरह के पुलिसमैन हो तुम यार? कैसा पुलिस वाला? अच्छा पुलिस वाला हूँ भाई। अरे बहुत ही बुरा। अरे तो जासूस थोड़ी ना हूँ मैं कोई, मैं तो बस पुलिस वाला हूँ, चौकी बुलाता हूँ। वैसे दोस्तों आप कमेंट्स करिए, अगर ज्यादा कमेंट्स हो गए तो हम शेरलॉक होम्स पे वीडियो बनाएंगे। यो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है टीना ने ये सब क्यों किया, इन सब घटनाओं के पीछे असली कारण क्या था, क्यों डरी हुई थी? तो आइए सीधा टीना से ही जानते हैं। इसी तरह बताओ बताओ। 1, 2, 3, मैंने ये सब अपने दोस्तों के राज जानने के लिए किया, क्योंकि वो मुझसे सब छुपा रहे थे और मैं ये पता लगाना चाहती थी कि उनमें से कौन सा चूहा है जो मेरा राज बता देगा। एक गद्दार। और पता चला कि उन्होंने क्रिस्टी को बताया कि वो थी, कि ये मैं ही थी जिसने उसे अंधा कर दिया था, ये एक एक्सीडेंट था, असल में ये बात है। तो बेसिकली तुम ये जानना चाह रही थी कि कौन राज रख सकता है और कौन राज नहीं रख सकता है, और तुम्हें सब पता चल गया। आखिरकार हैरी हमेशा सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी यहीं खत्म करते हैं, तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना और घंटा दबा देना। हाँ वो ग्रे बटन दबा। वैसे तो अब बढ़ते हैं हमारे दोस्तों, मैं यहाँ सबसे छिप रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि किटी और केसी मुझे देख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। तो क्या तुम हमें डराना बंद कर दोगे? बताओ ना। वो क्या है, टी शर्ट पर लिखा है कि केसी बेवफा है। गलत डायलॉग बोल दिया क्या? साक। ये किटी होनी चाहिए।